नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट रिड ऑफ कंफर्ट जोन। कहने का मतलब ही कंफर्ट जोन से बाहर आए। तो मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाने वाला हूं बार्तोज ओसवाल्ड स्वाकी की, जो कि फेमस रेसर हैं, कार जो है रेस करते हैं। ये पोलैंड के अंदर जो है इनका बर्थ हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को कर दीजिएगा प्रेस, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी जो आज की वीडियो। तो जैसे कि दोस्तों, ऑर्डिनरी एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की बात करें, वो जो हर जगह सक्सेस ढूंढता है, वो ढूंढता है कि हर चीज़, चाहे वो पैसा है, चाहे वो खान पीन का सामान है, चाहे कोई एनी अदर जो है उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसे इजीली मिल जाएं। तो इसीलिए वो जो है अपने कंफर्ट जोन को है छोड़ना जो है नहीं चाहता है। तो अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें कंफर्ट जोन को अपने छोड़ना होगा। इसीलिए कहा गया है कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही हमारी जो है सक्सेस है उसकी हैपनिंग होती है। कहने का मतलब है जो हमारा टारगेट हम अचीव करना चाहते हैं, हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी जो है हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो ओसवाल्ड ओसवाकी दोस्तों, ये इस ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है इनका बर्थ जो था उस पोलैंड में हुआ था, और ये जो है एक बहुत ही F1 फीफा जो है हमारे पास कार रेसिंग होते है, उसका जो है इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है नोबल प्राइज़ जीता हुआ है। इनका दोस्तों क्या क्राइटेरिया था, ये जो ग्रेट पर्सनैलिटी हैं इन्होंने 10 साल की उम्र के अंदर ही जो है मोटर बाईसाइकिल से कार एक्सीडेंट के अंदर इन्होंने जो है अपने हाथ जो है कटवा लिए थे। दोनों ही हाथ इनके जो है एक्सीडेंट के दौरान जो है अलग हो गए थे। तो दोस्तों, एक्सीडेंट के दौरान जैसे कि कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है घबरा जाता है, जो अपने टारगेट से भटक जाता है। परंतु इस ग्रेट पर्सनैलिटी ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 महीने के बेड रेस्ट के बाद जो है अपनी ट्रेनिंग शुरू की। और चाहते तो ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह जो है घर पर बैठ सकते थे। इनके पास बहाना बनाया जा सकता था कि मैं जो हूँ डिसेबल हूँ, डिसकैपेसिटी है मेरे अंदर, मेरे हाथ नहीं है, या मेरे अंदर कोई और डिफेक्ट आ गया है बाय द वे एक्सीडेंट के कारण। तो ये जो है अपना बहाना बनाकर इजीली बैठ सकते थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके अंदर एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है और दुनिया को कुछ कर दिखाना है कि तो डिसेबल लोग होते हैं जिनके हाथ या पांव नहीं होते, वो भी जो है कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने है अपने 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग जो है F1 रेसिंग के अंदर ली, और फिर इन्होंने चैम्पियनशिप जो पोलैंड के अंदर 1972 के अंदर हुई थी, उन्होंने हिस्सा लिया। तो हिस्सा लेने के बाद दोस्तों, इन्होंने जो है वो राइडिंग जो है कार की जो राइडिंग है, कार की जो ड्राइव है, इन्होंने हाथ की बजाय पांव से की। कहने का मतलब है कि एक बात की सोचा जाए तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है कि हाथ की बजाय जो है पैर से गाड़ी को चलाना, बट इन्होंने जो है इतनी उसके लिए हार्ड वर्क की, इतनी पेशेंस से काम लिया कि वहाँ पे जो है अपना वर्ल्ड F1 रेसिंग के अंदर जो है फीफा रेसिंग के अंदर इन्होंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप का जो है खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल वीडियो से मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाना चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ को इजीली पा लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो हमें जो है अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उससे भी ज़्यादा जो है आगे ट्राई करते रहना चाहिए। चाहते तो ये भी अपने कम्फर्ट जोन में अंदर बैठे रहे थे, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जो है
इनकी तब की जनरेशन थी, इनके साथ के जो फ्रेंड्स थे, जो है ग्रेट पर्सनैलिटी एज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ये हमारे सामने है। इन्होंने हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह है रोल प्ले किया है कि अगर हम डिसेबल हैं या हमारे अंदर कोई की डिफेक्ट है तो हम जो है कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर कोई जज्बा है। तो दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें जो है कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। अगर ये डिसेबल पर्सन जो है, जिनका नाम है ब्रेस्टोज ओस्टवासाकी, इनका ये जो है बजाय हाथों के जो हाथ और बाजू के F1 रेसिंग के चैम्पियनशिप बन सकते हैं, तो हमारे तो भगवान ने हाथ और पांव दोनों ही सही सलामत दिए हैं। तो हम भी इनकी तरह हैं, एक ग्रेट अचीवमेंट अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं तक थी हमारी जो आज की वीडियो। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने इसी चैनल PDB अपडेट्स। तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मोटिवेट होते रहिए। धन्यवाद।